क्या क्या खासियत है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं। ओके, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश? मदर टंग। मदर टंग, इन्फ्लुएंस, वेरी गुड। कैसी है, मतलब जनरली आप लोग बताइए कि इंडियन इंग्लिश जो है वो आप लोग को कैसी लगती है, हार्ड लगती है और इजी लगती है अदर लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग? नॉर्मल नॉर्मल है ना, इजी है, इसको इजी बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, जैसे कल बताया था मैंने आप लोग को, क्यों बनाया गया है इसको इजी? क्योंकि हमारे इंडिया में की जो सोसाइटी है उसमें तरह तरह के लोग हैं, अर्बन भी है, रूरल भी है, गांव के भी हैं, शहर के भी हैं, है ना, तरह तरह के लोग हमारी सोसाइटी में, लिविंग या लिविंग पर्सन्स तरह तरह के हमारी सोसाइटी में रहते हैं, है ना। तो उनके हिसाब से लैंग्वेज को इजी बनाना, ताकि वो अच्छे से उसको समझ सके, सुन सके और उसको जान सके, इसलिए इंग्लिश को हिंदी से मिलता जुलता किया गया है ना, ताकि उसमें कुछ ऐसे करेक्शंस किए गए, उसकी कुछ लैंग्वेज को वापस नए तरीके से कन्वर्सन करके, उसमें कुछ करेक्शंस करके, उसमें कुछ नए नए आइडियाज़ को जोड़कर, तरह तरह के इनोवेशंस करके इंडियन इंग्लिश को एक नया रूप प्रदान किया गया, ठीक है। और ये जो इंडियन इंग्लिश है वो क्या है, यूएस में, अदर कंट्रीज़ में हमारी जो इंडियन इंग्लिश है वो काफ़ी फेमस है। क्यों है, क्योंकि ये इजी है ब्रिटिश लैंग्वेज और अदर लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग, हमारी इंडियन लैंग्वेज, इंडियन इंग्लिश इजी होती है ना, बोलने में भी और समझने में भी। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आप लोगों को, यूएस में इंडिया के 30% से ज़्यादा लोग वहाँ पर वर्क करते हैं, दे आर डूइंग जॉब देयर। क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको एक तो उनकी एजुकेशन की रेस्पेक्ट होती है, इसके अलावा वहाँ पर उनकी डिमांड है, इसके अलावा वहाँ पर जॉब काफ़ी सारी होती है, तो वहाँ पर जाकर अपनी नॉलेज से जॉब कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, ठीक है। और वहाँ के लोग भी हमारी इंग्लिश को अच्छे से जान लेते हैं। ओके, फर्स्ट फीचर हमने पढ़ा था मदर टंग इन्फ्लुएंस। हमारी जो इंग्लिश है उस पर क्या होता है, मदर टंग का इन्फ्लुएंस हमेशा आपको नजर आएगा, है ना। आता है, नहीं आता, कैसे आता है? फॉर एग्जाम्पल, कल बताया था मैंने आप लोग को, कौन बताएगा? एफ, है ना, हमारा जो वर्णमाला है हिंदी की, है ना, उसको वही इसी तरीके की बनी हुई है जैसी हमारी अल्फाबेट है ना। तो जो स्वर स्वर होते हैं उसी तरीके से इंग्लिश में भी वर्ड्स होते हैं, है ना, और जो कंसोनेंट्स होते हैं उसी तरीके से बाकी अक्षर की साउंड भी जनरेट होती है ना। जैसे अपन क बोलते थे, हमारे यहाँ के को के बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था, फॉरेन में अलग तरीके से उसकी साउंड निकलती, कैक, है ना, बाइक, टाइक, बट हमारा जो जनरल बोलचाल है उस हिसाब से हमारी इंग्लिश का प्रोनंसिएशन भी हम करते हैं, ठीक है। जैसे लैंग्वेज होती है उसी तरीके से वहाँ का प्रोनंसिएशन भी होता है, इसलिए जो हमारी मदर टंग है, जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे तो भी आपकी जो हिंदी भाषा का इफेक्ट है वो आपकी इंग्लिश में आपको दिखाई देगा, चाहे कोई और उस, बेटा थोड़ा मन में पढ़ो, उधर जाके पढ़ो या मन में पढ़ो। ओके, आई एम शेयरिंग यू विद स्क्रीन। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, मदर टंग इन्फ्लुएंस। हमारी जो इंग्लिश है उसमें हमारा प्रोनंसिएशन, हमारी साउंड और
हमारा जो पैटर्न्स हैं बोलने के, स्ट्रेस पैटर्न्स मीन्स उतार चढ़ाव, हमारी जो भाषा के उतार चढ़ाव हैं, बोलने के जो उतार चढ़ाव होते हैं हमारी बोली में, वो सब भी इफ़ेक्ट होते हैं आपकी मदर टंग से, है ना। क्योंकि हमारी जो मदर टंग है, हमारी जो मदर लैंग्वेज है, वो हिंदी है। तो जब भी आप इंग्लिश में कोई भी वर्ड्स प्रनाउंस करोगे, कोई भी सुनोगे या समझोगे, तो आपकी मदर टंग का हमेशा उस पर इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देगा। ओके, क्लियर फर्स्ट पॉइंट। इट इज विजिबल टू ऑल और नॉट? तुम थोड़ा सेंटर में लाइए। अदरवाइज विजिबल? यस यस मैम। यस सेकंड वन इज रीजनल इन्फ्लुएंस। रीजन, रीजन क्या होते हैं? एरिया, क्षेत्र, प्रांत। रीजनल इन्फ्लुएंस, आपकी जो मदर, आपकी जो इंग्लिश है, हमारी जो इंडियन इंग्लिश है, उसमें हमेशा रीजनल इन्फ्लुएंस आपको हमेशा दिखाई देगा। क्यों देता है? क्योंकि हमारे इंडिया में, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, हर 4 कदम पे लैंग्वेज चेंज होती है। होती या नहीं होती? होती है। कहावत है हमारे यहाँ कि हमारे इंडिया में तो हर कदम पे भाषा चेंज होती रहती है। देखिए, सर्टेन फ्रेजेस सर्टेन फ्रेजेस स्टेटमेंट्स एंड पैटर्न्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस विच आर रीजनली एक्सेप्टेड आर कन्वर्टेड एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ये क्या कह रहा है? कुछ ऐसी फ्रेजेस होती है। फ्रेजेस क्या होती है? सभी जानते होंगे क्या होती है फ्रेजेस। इंग्लिश में फ्रेजेस क्या होती हैं? पढ़ी होगी बचपन से ही। फ्रेजेस में सेंटेंसेस बनाने का जो एक पूरा प्रोसीजर होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ होगा, वर्ब का यूज कहाँ होगा, इज दैट का यूज कहाँ होता है ना। दिस इज द फ्रेजेस। ओके, द वे ऑफ सेटिंग अ पैटर्न ऑफ वर्ड्स, वर्डिंग्स, मतलब तरह तरह के शब्दों को जोड़कर जो एक पूरा सेंटेंस या एक पूरा, क्या बोलते हैं उसको, पैराग्राफ बनाया जाता है ना, उसको फ्रेजेस बोलते हैं। फ्रेज, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट मीन्स कोई भी, किसी भी तरीके का स्टेटमेंट देना। एंड पैटर्न ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस, मतलब पैटर्न, किसी भी तरह के सेंटेंसेस बनाने का जो पैटर्न होता है, मतलब सेंटेंसेस को सुधारने का या सेंटेंसेस को बनाने का जो तरीका होता है, विच आर रीजनली एक्सेप्टेड। हमारी जो इंग्लिश के जो फ्रेजेस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, या फिर सेंटेंसेस बनाने का जो तरीका है, वो क्या है? रीजनली एक्सेप्टेड है। मतलब यहाँ के जो तरह तरह के लोग हैं, जो एरिया के लोग हैं इंडिया के, उनके द्वारा एक्सेप्टेड कर सकें। रीजन के जो तरह तरह के लोग हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर सकें। उस तरह से हमारी इंग्लिश को कन्वर्ट किया गया है और ट्रांसलेट किया गया है इंटू इंग्लिश। ठीक है, जो जनरल लैंग्वेज है उसको रीजन वाइज ट्रांसलेट करके और उसको रीजन वाइज कन्वर्ट करके ही आगे से आगे तरह तरह से उसको सुधार कर नई इंग्लिश का रूप दिया गया है। ओके, इसमें फ्रेजेस भी रीजन के अकॉर्डिंग है, पैटर्न्स भी रीजन अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ओके, और उसका जो ट्रांसलेशन का तरीका है, वो भी रीजन वाइज किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को बताया कि इंडिया में तरह तरह के रीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, गांव के भी हैं तो शहर के भी हैं, मोस्ट ऑफ द गांव के ही लोग होते हैं हमारे इंडिया में।
है ना? बोलना क्यों आना होते चाहिए हैं? क्योंकि पानी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन तब रूरल एरियाज में ही हाँ वो चला कर रहती है। फॉर एग्जाम्पल टैक्सी वाला, ऑटो वाला, सरजी एक्सेट्रा हैव बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन इंग्लिश। जैसे समझे आप, है ना? हमारे इंडिया की इंग्लिश कैसी है, मतलब किसी को भी इंग्लिश में हम ऐड कर देते हैं, है ना? जैसे एक तरह से कहते हैं खिचड़ी भाषा। आप लोग जैसे जब भी बोलते होंगे, कहीं बाहर जाते हो तो इंग्लिश बोलते हो, तो क्या होता है, सभी को सर जी, है ना? प्रिंसिपल सर हैं, उनको तो आप रेस्पेक्ट से बोलते हैं। अदरवाइज जो भी सर मिलते हैं, कभी आप उनको जोक में, या फिर कभी किसी फ्रेंड्स को भी आप सर जी बोल देते हैं। कोई बड़े लोग होते हैं तो उनको भी आप सर जी बोल देते हो, है ना? ऑटो वाला है, टैक्सी वाला है, इनसे आप इंग्लिश में बात करते हैं क्या? नहीं करते हैं। ठीक है, एक पूरा सेंटेंस आपने बोला तो उसके साथ आप टैक्सी वाले को चलो भी जोड़ देते हो, ऑटो वाले को भी जोड़ देते हो, है ना? तो ये सब क्या है, एक तरह से हमारी इंडियन इंग्लिश के पार्ट बन चुके हैं। चिड़िया ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोगों की लैंग्वेज ही इसी तरीके की है गई कि वो हमेशा मिक्सअप लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब रीजनल इन्फ्लुएंस है जो हमारी इंडियन इंग्लिश पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? अंडरस्टैंड और नॉट? बहुत क्लियर? थर्ड वन, फ्रेजियोलॉजी। फ्रेजियोलॉजी क्या होती है? फ्रेजियोलॉजी, जैसे मैंने अब बताया आपको, फ्रेजेस क्या होती है? फ्रेजेस इट इज द वे टू मेंटेन अ पैराग्राफ, है ना? ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, मतलब एक सीक्वेंस, वर्ड्स की सीक्वेंस को किस तरह से बनाना है, कैसे उसको सेट करना है, देन उसके द्वारा सेंटेंसेस बनाकर एक जो पैराग्राफ तैयार किया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं फ्रेजियोलॉजी। जैसे आप लोग जानते होंगे, पोएम्स तो पढ़ते ही हैं, पोएम्स सुनी होंगी सभी ने। पोएम्स क्या है? एक तरह की फ्रेजी है, फ्रेज है। ठीक है, क्योंकि इसमें तरह तरह के सेंटेंसेस को एक वोवल्स के हिसाब से एक साउंड जनरेट करके एक राग में उसको तैयार किया जाता है। ओके, इंडियन इंग्लिश हैज़ कम अप विथ इट्स ऑन फ्रेजेस। इंडियन इंग्लिश जो है वो कैसे बनाई गई है, कैसे आई है? विथ इट्स ओन फ्रेजेस, मतलब इंडियन इंग्लिश के जो फ्रेजेस हैं वो इसके अपने हैं, है ना? कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है इंडियन इंग्लिश के जो फ्रेजेस, या फिर उसकी जो सेंटेंसेस बनाने का जो तरीका है, उसको कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है। एंड पॉपुलर सेंटेंसेस दैट आर वाइडली, पॉपुलर सेंटेंसेस दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड, और कुछ ऐसे पॉपुलर सेंटेंसेस हैं इंडिया के जो हमेशा ही एक्सेप्टेड रहे हैं। ठीक है, पॉपुलर सेंटेंसेस का एग्जाम्पल कोई बताएगा? मैं आई कम इन सर, है ना? ये सब क्या है? पॉपुलर सेंटेंसेस है जिनको, जो हर जगह सेम होते हैं, ठीक है, उन्हें हमेशा इंग्लिश में एक्सेप्ट किया गया एंड अंडरस्टूड इन द इंडियन कंटेक्स्ट, और उन्हें हमेशा इंडियन इंग्लिश में, इंडियन कंटेक्स्ट में ही उसको समझा गया। ठीक है, पॉपुलर सेंटेंसेस को क्यों कंबाइन किया गया? ताकि उन्हें अच्छे से इंडिया के लोग जान सके और समझ सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी ए फेल्ड यूज इन मैट्रीमोनियल एड्स टू डिस्क्राइब समवन हु वॉज एडमिटेड टू द कोर्स बट डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन। समझ में आया? देखो कितना फनी एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल बी ए फेल्ड स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जो क्या है, बी ए फेल्ड है, बी ए में फेल हो चुका है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, फेल्ड यूज इन मैट्रीमोनियल एड्स। उसने क्या किया? मैट्रीमोनियल साइट क्या होती है? शादी का इश्तिहार शादी किया, की है। है ना? शादी का इश्तिहार, मैट्रीमोनियल एड्स क्या होते हैं, जिसमें शादी के लिए एड दिए जाते हैं। एड्स टू डिस्क्राइब समवन, उसमें वो क्या डिस्क्राइब करना चाह रहा है, कि वो बीए पास है, उसमें ये क्वालिटीज़ हैं, है ना? उसको ये आता है, उसमें क्या क्या हॉबीज़ है उसकी,
है ना, जैसे होता है ना बायोडाटा में बड़ा चढ़ा के लिखा जाता है ना, वही एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। समवन हु वाज एडमिटेड टू द कोर्स, जो कोर्स में एडमिट तो हुआ था बीए के लिए बट वो पास ही नहीं हुआ है ना, बट वो मैट्रिमोनियल एड्स में क्या लिख रहा है कि मैं बीए पास हूँ और मेरे ये क्वालिटीज हैं। कुछ बात कहनी है। है ना, तो ये क्या है, मतलब हमारे इंडिया में किसी भी कंटेक्स्ट में किसी भी तरह से लैंग्वेज को जान कुछ लिया बात जाता है, कहकर समझ आजा, लिया जाता है। कुछ बात कहकर आजा। एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को? बीए फेल स्टूडेंट क्या करते हैं, जरूरी नहीं है सभी करते हैं बट एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जो एडमिट तो हुआ है बट वो पास नहीं हुआ है ना, तो ये एग्जाम्पल किसका है कि उस सेंटेंस को उन्होंने किस तरीके से बनाया है, ठीक है। फेल्ड यूज टू मैट्रिमोनियल एड्स टू डिस्क्राइब समवन, अब ये सेंटेंस सही है क्या, आप ये बताइए। इट इज द करेक्ट सेंटेंस और नॉट? नो नो। व्हाई? बिकॉज़ ये फेल्ड मतलब वो है ना फेल हो गया, लेकिन उसका मैट्रिमोनियल एड से कोई लेना देना देना है ही नहीं। यस, वेरी गुड। जब ये फेल्ड हो गया तो क्या हो गया, ये साइट दिखेगा थोड़ी क्या, इस चीज को मेंशन थोड़ी करेगा, है ना, उसमें मेंशन नहीं करेगा। इसके अलावा उसको जरूरी नहीं है कि वो उसने उसमें ऐड दिया हो, दिया भी होगा तो उसका इस चीज से क्या लेना देना, है ना। तो इंडिया में इस तरह के कॉमन सेंटेंसेस को जनरल सेंटेंस को भी मिक्सअप कर दिया जाता है, ठीक है, जिसको खाली इंडिया के लोग ही समझ सकते हैं, इनको फॉरेन कल्चर के लोग अपने इंडिया के कंटेक्स को बहुत ही इजीली अंडरस्टूड नहीं कर पाते। ओके, क्योंकि वी आर इंडियंस तो हम इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है ना, पर ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग इस चीज़ को इजीली अंडरस्टूड कर सकें। ओके, क्लियर? फ्रेजियोलॉजी समझ में आया कि किस तरह से सेंटेंसेस को बनाकर इंडिया के कंटेक्स्ट में लिख दिया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, कुछ पॉपुलर सेंटेंसेस को भी यूज़ कर दिया जाता है, और कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनको भी कंबाइन इंग्लिश में कर दिया गया है, ठीक है, जो कॉमन होते हैं। ओके, समझ में आया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, फोनेटिक एंड फोनियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश। फोनेटिक्स, वी स्टडीड फोनेटिक्स, व्हाट आर द फोनेटिक्स? फॉरगॉट ऑल, भूल चुके हैं सब? व्हाट आर द फोनेटिक्स? इट्स इंटरनेशनल लैंग्वेज। और जो हमने पढ़े थे वो क्या थे, जनरल फोनेटिक्स थे, है ना, इंटरनेशनल अल्फाबेट, इंटरनेशनल अल्फाबेट्स के द्वारा जो फोनेटिक्स बनाए गए हैं वो हमने स्टडी किए थे। उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे अपने फोनेटिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ फोनोलॉजिकल फीचर्स हैं जो इंडियन इंग्लिश के भी होते हैं, है ना, वो जो हमने पढ़े थे वो क्या थे, जनरल थे, अमेरिका में भी वो यूज़ होते हैं, कनाडा, ग्लोबली जो फोनेटिक्स यूज़ होते हैं वो हमने स्टडी किए थे। उसी तरीके से इंडिया के भी कुछ पर्टिकुलर फोनेटिक्स हैं जो हम सभी जानते हैं, वही चीज़ इसमें है ना, जो जनरली आप लोग अभी तक पढ़ते आए हो कि हमारी इंग्लिश कैसी होती है। फर्स्ट वन, लैक ऑफ एस्पिरेशन इन द वर्ड इनिशियल पोर्शन।
मतलब जो वर्ड की इनिशियल पोजीशन होती है, हमारे इंडिया के जो सेंटेंसेस है, जो पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में एस्पिरेशन की कमी होती है। एस्पिरेशन मीन्स मतलब जो वर्ड का पूरा, जो आप सेंटेंस पढ़ोगे उसकी जो फीलिंग क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसको समझ में, आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तभी वो आपको समझ में आएगा। इनिशियली आप उसकी पोजीशन को देखकर समझ नहीं पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्ड सच एज पिन एंड कानपुर, नेम ऑफ सिटी, कानपुर क्या है, पिन क्या है, एक चीज़ है, कानपुर क्या है, नेम ऑफ सिटी, आर प्रोनाउंस्ड एज पिन एंड कानपुर, नॉट एज फिन एंड खानपुर रेस्पेक्टिवली। हमारे इंडिया में जो पिन को क्या बोलते हैं, PIN को पिन प्रोनाउंस किया जाता है और KAN कानपुर को कानपुर प्रोनाउंस किया जाता है। बट कुछ ऐसे फोनेटिक वर्ड हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कंसोनेंट्स में पढ़े थे ना हमने, उसमें कुछ PH का, PI का क्या साउंड निकलता है, PH, है ना। फोनेटिक्स को हम फ पढ़ रहे हैं, बट इसमें P पढ़ा जाता है, इसको हम फ पढ़ेंगे क्या, फिन, नो। कानपुर को हम ख पढ़ेंगे क्या, खानपुर, नो, ठीक है। इसी तरीके से हमारी इंडिया का ये एक सीक्वेंस बना हुआ है कि किस वर्ड को किस तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है, उसी हिसाब से हम इंडियन वर्ड्स को भी स्टडी करते हैं, है ना। जैसे प, पी का अपन प पढ़ते हैं, आई का अपन ई पढ़ते हैं, एन का अपन न पढ़ते, तो हम पिन को इसी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ओके। KAN को अपन हिंदी में क्या पढ़ेंगे, कान, है ना। PUR को पुल, तो उसी तरीके से हम इसको इंग्लिश में भी प्रोनाउंस हमेशा करते हैं, ठीक है। समझ में आया, हिंदी और इंग्लिश में जिस तरह से हिंदी में पढ़ा जाता है, उसी तरह से हमारी इंग्लिश में उसको स्टडी किया जाता है। ये इसका एक फोनेटिक फीचर है, ओके। सेकंड वन, रेट्रो फ्लेक्सियन। हमारी जो इंग्लिश है वो कैसी है, फ्लेक्सिबल है। रेट्रोफ्लेक्सियन मतलब जैसी कंडीशन होती है, जैसा देश वैसा भेस, वैसी हमारी इंडियन इंग्लिश हमेशा से रही है। एल्वियोलर कंसोनेंट्स, हमारे जो कंसोनेंट्स है वो क्या है, एल्वियोलर मतलब जनरल कंसोनेंट्स हमारी इंग्लिश में हमेशा यूज होते हैं। एल्वियोलर मीन्स जनरल। TND आर रेस्पेक्टेड बाय देयर करस्पॉन्डिंग रेट्रोफ्लेक्स कंसोनेंट्स, टी और डी, स्मॉल टी और डी को भी हमेशा उसी तरीके से साउंड किया जाता है, उसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, जिस तरीके से कैपिटल टी और डी को किया जाता है। कैपिटल टी और डी कंसोनेंट्स हमने पढ़े थे ना उसमें फोनेटिक में, याद है, अच्छा पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था, कैपिटल टी की अलग साउंड आ रही थी और कैपिटल डी की डिफरेंट साउंड थी। बट हमारी जो इंडियन इंग्लिश में क्या होता है, कैपिटल डी और कैपिटल स्मॉल टी दोनों का जो साउंड है, कंसोनेंट का जो साउंड है, वो सेम रहता है, चाहे उसको आप स्मॉल कर दें चाहे आप उसको कैपिटल कर दें, बस ये डिफरेंस रहता है कि स्टार्टिंग में कैपिटल आता है और मिडल में स्मॉल आता है, ओके। सेम डी, डी में भी यही है, मतलब सारे कंसोनेंट्स में सेम डिफरेंस यहाँ पर रहता है। देयरफॉर एल्वियोलर टी एंड डी इन द नेम ऑफ द मंथ्स सच एज अक्टूबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आया है अक्टूबर, है ना, अक्टूबर में क्या आ रहा है, स्मॉल टी आ रहा है, तो इसमें क्या साउंड हो गया आपका, कौन पढ़ के बताएगा। अक्टूबर थोड़ी बोलते हैं हम इसको, अक्टूबर ही बोलते हैं हम, है ना। बट फॉरेन में किसी भी कंट्री में आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इसकी प्रोनाउंसिएशन का तरीका चेंज हो जाता है ना। वहाँ पर इसको अक्टूबर बोल दिया जाता है, कहीं कहीं सेप्टेम्बर, बट हमारे यहाँ जैसा हम हिंदी में पढ़ते हैं वैसा ही हम इसको इंग्लिश में कंसोनेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। और जैसा कैपिटल टी का साउंड होता है, वैसा ही स्मॉल टी का साउंड भी यहाँ पर होता है, अक्टूबर, सेप्टेम्बर एंड दिसंबर, है ना। अब यहाँ पे कैपिटल डी आ रहा है, बट साउंड सेम रहेगा कैपिटल और
स्मॉल का जिस पर मैम इसको हिंदी में तो हम ये बोलते हैं अक्टूबर, सितंबर और दिसंबर। इसको अक्टूबर बोलते हैं है ना, पर ऊ की जो साउंड हो रही है वो तो अपने को ओ ही बोलते हैं ना अपन, या नहीं? इंडिया के जो अल्फाबेट है, मतलब इंडिया के जो फोनेटिक लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी का आप ऊ को उठाकर देखो तो आप ओ की ही साउंड आपको उसमें दिखेगी, कभी भी ट्रांसलेशन करके देखिएगा है ना। इसकी और क्या स्पेलिंग बना सकते हो आप बताइए? डबल ओ करेंगे क्या आप? नहीं कर सकते है ना। बोलने का प्रोनाउंसिएशन का तरीका अलग हो जाता है बस, अलग अलग कंट्री वाइज, अदरवाइज सेम रहता है। ये अक्टूबर सितंबर जो मंथ के नेम है ये तो आप भली किसी भी कंट्री में जाइए आपको सेम ही मिलेंगे, है ना। सेम ही रहेंगे या अलग होंगे, बस बोलने का तरीका और उसके कंसोनेंट का जो वे है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके जो साउंड पे डिपेंड करता है, उनके प्रोनाउंसिएशन पर वो डिपेंड करता है। अक्टूबर सितंबर एंड दिसंबर आर प्रोनाउंस्ड एज अक्टूबर सितंबर एंड दिसंबर, बता रहे हैं ना। ये देखो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं फॉरेन में, क्या स्मॉल टी पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं दिया जाता, ज़्यादा फोर्स नहीं दिया जाता, बट इंडिया में उसको क्या बोला जाता है? अक्टूबर सितंबर सितंबर जैसे एंड दिसंबर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो मेन साउंड होता है वो कैपिटल पर ही रहता है, कैपिटल हो या स्मॉल हो सेम साउंड आपका इंडिया इंग्लिश में रहेगा, है ना। इसको अपन ज़्यादा फोर्स लगाते हैं क्या टी पर? नहीं। रेट्रोफ्लेक्शन में आपकी जो कंसोनेंट साउंड है वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहती है, जैसे सिचुएशन होती है, जैसा वर्ड होता है, जैसा मीनिंग होता है, उसी तरह से हमारी इंडियन इंग्लिश चलती है। ओके, इसमें जो फोनेटिक्स है वो डिफरेंट, कोई अलग फोनेटिक्स नहीं है, उसी से मिलते जुलते हैं, बट थोड़ा सा साउंड का चेंज या प्रोनाउंसिएशन का तरीका चेंज हो जाता है। ओके, लैक ऑफ इंटरडेंटल्स, इंटरडेंटल्स मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे ग्रेटिट्यूड वर्ड्स जो होते हैं, थैंक यू, विशिंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी जर्नी, गुड मॉर्निंग, ये जो होते हैं क्या होते हैं? इंटरडेंटल्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स जो नॉर्मली हम लोग यूज़ में लेते हैं, वर्ड सच एज थैंक्स एंड दैट आर प्रोनाउंस्ड विथ करस्पॉन्डिंग अनवॉइस्ड एंड वॉइस्ड एल्वोलर स्टॉप्स रेस्पेक्टिवली। इंटरडेंटल्स क्या होते हैं? ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स जो बार बार हमारी इंग्लिश में यूज होते हैं उनको इंटरडेंटल्स बोलते हैं। जैसे आप लोग देखा होगा कभी, बहुत बार दिस दैट का यूज हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? जनरली व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, है ना। ये सारे वर्ड्स आप लोग हम लोग यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जनरल वर्ड्स होते हैं जो हर सेंटेंस में हमको यूज या होते हैं, प्रोनाउंस विथ करस्पॉन्डिंग अनवॉइस्ड एंड वॉइस्ड एल्वेलर स्टॉप्स, मतलब इसका कोई प्रोनाउंसिएशन का प्रॉपर तरीका नहीं होता है ना। थैंक्स आप जनरली फ्रेंड्स को भी बोलते हैं, आपके टीचर को भी बोलते हो, इसके अलावा बड़े को भी बोला जाता है, छोटे को भी बोल दिया जाता है थैंक्स, है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आपके प्रोनाउंसिएशन का तरीका चाहे कैसा भी हो वो वहाँ पर उसको आप किसी भी तरीके से उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, है ना। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो वर्ड्स यूज करते हो वो इसमें आएंगे, है ना। थैंक्स आप किसी को भी बोलते हो, थैंक यू बोलते हो, ये हो सकता है कि बड़ों को आप थैंक यू बोलते हैं, टीचर को आप थैंक यू बोलते हैं, थैंक्स अपने फ्रेंड्स को बोला जाता है, ठीक है। तो इंडिया में इंटरडेंटल्स की हमेशा से कमी रही है, मतलब थैंक्स और दैट और ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है, बार बार यूज होते हैं, बट इनका जो प्रोनाउंसिएशन का तरीका है वो सेम रहता है, ठीक है। अनवॉइस्ड भी हो सकते हैं और वॉइस्ड भी हो सकते हैं। अनवॉइस्ड मीन्स, अनवॉइस्ड मीन्स कैसे? जैसे मैंने आप लोग को बताया था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन,
याद है किसी को? हाँ रिमेम्बर और नॉट, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? आई अटेंड द क्लासेस? चिराग, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन विच डूइंग बाय सिंबल्स और साइंस, है ना? जैसे थैंक यू बोलते हैं आप, तो जरूरी नहीं है कि आप थैंक यू हमेशा बोलकर ही जताएं, है ना? कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं, कुछ ऐसे तरीके होते हैं, हाव भाव से भी आप थैंक यू बोल देते हो बहुत बार, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो हमारे इंडिया में वॉइस का या फिर साउंड का कोई एक पर्टिकुलर अपना पैटर्न हमेशा से नहीं रहा है, ठीक है? जनरल लैंग्वेज को भी इसमें हमेशा से जगह दी गई है, ओके? क्लियर फोनेटिक एंड फोनोलॉजिकल फीचर्स? नहीं समझ में आ रहा आप यस लोगों को, मैम, क्योंकि नए नए टर्म्स हैं, नए नए वर्ड्स हैं। इसको एक बार स्टडी करिएगा घर पे, फिर वापस कल डिस्कस करते हैं, भले ही है। ठीक है, एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। जो फोनेटिक्स हमने पढ़े हैं उसी से मिलता जुलता है ये, बस और कुछ ही नहीं है। इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको बताया गया है, अदरवाइज नो विल नो डिफरेंसेस। फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया, सेकंड पॉइंट तो समझ में आ गया। नो नॉट अंडरस्टूड? चलिए इस पॉइंट को वापस कल डिस्कस करते हैं, ओके? एक बार स्टडी करिएगा घर पे। नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन, इंडिया का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस तरीके का है, हमारी इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा है? कैसा है, इजी है या हार्ड है, बताइए। इट इज इजी और हार्ड, इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन? सम वर्ड्स आर हार्ड। सम वर्ड्स आर, एग्जाम्पल? जैसे इसमें लिखा हुआ देखो, फर्स्ट लाइन में अप्रोक्सीमेशन है ना, ये आपको हार्ड लगेगा। जनरलाइजेशंस, ये आपको हार्ड लग सकते हैं। प्रोमिनेंट हार्ड लग सकता है ना? कुछ वर्ड्स हमारी इंडियन इंग्लिश के ऐसे हैं जो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी थोड़ी सभी को उसमें दिक्कत होती है, अदरवाइज फॉरेन लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग हमारे इंडियन इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी बेटर है और काफ़ी इजी है ना? इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज अ रिलेटिवली क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू द रिटन फॉर्म। मतलब हमारी जो इंडियन इंग्लिश है उसमें जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा है, किससे मिलता जुलता है? बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल मिलता जुलता है। किससे? अप्रोक्सीमेशन टू द रिटन फॉर्म। जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, ठीक है? जैसे हमारी इंडियन इंग्लिश, जैसे हम हिंदी में लिखेंगे उसको, या फिर इंग्लिश में जिस तरह से हम उसको लिखते हैं उसी तरीके से हम उसको पढ़ते हैं या बोलते हैं, ये हमारे इंडियन इंग्लिश की खासियत है ना? जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, ठीक है? जिस फॉर्म में, जिस फॉर्मेट में जैसे वर्ड्स आप लिखते हैं उन वर्ड को वैसे ही आप उनको प्रोनाउंस करते हो।
ओके, सेकंड जनरलाइजेशंस इन टर्म ऑफ स्क्वा साउंड एंड क्लिपिंग ऑफ द वोवल साउंड्स. स्क्वा साउंड्स क्या होता है, व्हाट इज द टर्म इन टर्म्स ऑफ स्क्वा साउंड एंड क्लिपिंग ऑफ द वोवल साउंड्स एंड नॉन डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स आर प्रोमिनेंट इन इंडियन इंग्लिश. जनरलाइजेशंस मतलब इंडियन इंग्लिश में जो वोवल्स की जो साउंड्स होती हैं, ठीक है, वो शॉर्ट भी होती है और लॉन्ग भी होती है ना. जैसे मैंने आप लोग को बताया था वोवल साउंड्स में रैपिड साउंड अलग है और लॉन्ग साउंड अलग होती है ना. रैपिड और लॉन्गर दोनों वोवल्स हमने पढ़े थे ना. जैसे आई है, स्मॉल आई है, वो क्या है, रैपिड साउंड के लिए यूज होता है. और कैपिटल आई है, वो क्या है, लॉन्गर साउंड के लिए यूज होता है. होता है नहीं होता, सिट है ना, बिट और लॉन्गर साउंड के लिए क्या यूज होगा, स्कर्ट है ना, शर्ट. इसमें लॉन्गर साउंड आई की वहां पर जनरेट होती है. ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि जो वोवल साउंड है इंडियन इंग्लिश का मतलब होता है जो ना जिस वोवल साउंड में ना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. जिस वोवल साउंड में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है. स्ट्रेस लेने की, यस, ओके, गुड. मतलब कुछ ऐसे वोवल्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिनमें स्ट्रेस लेने की या फिर स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वॉइस में उतार चढ़ाव वहाँ पर आपके नहीं आता है, ठीक है. एंड क्लिपिंग ऑफ द वोवल साउंड्स मतलब वोवल साउंड्स की जो क्लिपिंग है, क्लिपिंग मीन्स बोलने का तरीका. एंड नॉन डिस्टिंक्शन बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स आर प्रोमिनेंट मतलब इंडियन इंग्लिश में जब शॉर्ट एंड वोवल साउंड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उसमें भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है. बट फॉरेन लैंग्वेजेस में जब शॉर्ट एंड लॉन्ग वोवल्स का जब यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर आपको साफ उसमें डिफरेंस पता चलता है. बट हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में वोवल साउंड में डिफरेंस ज़्यादा हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है. कैसे, कोई एग्जांपल बताएगा? जैसे मैंने बताया आपको सिट, हिट है ना, इनमें क्या होता है, स्मॉल आई आ रहा है, ठीक है, बट फॉरेन में इसको क्या बोला जाता है, सिट है ना. तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर डिफरेंट प्रोनंसिएशन का तरीका है, ठीक है. तो वो क्या होता है, उसमें वोवल का डिफरेंस आपको ऑटोमेटिकली दिखता है. बट हमारे यहाँ सिट और फिट दोनों को एक ही तरीके से बोला जाता है. उसी तरीके से जो लॉन्ग वोवल कौन से हैं, आई ई जिसमें यूज होता है, फियर है ना, फियर. फियर में क्या हो रहा है, ई साउंड भी आ रहा है और ए साउंड भी आ रहा है, ठीक है. तो उसमें क्या हो रहा है, लॉन्ग वोवल साउंड आ रहा है. बट इंडिया के जो कंटेक्स्ट में देखा जाता है अगर इसको, तो वोवल साउंड्स में ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता है. और जो हमारे इंडिया के वोवल्स हैं उनको बोलने में भी हमें ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है. ये डिफरेंस है इंडियन इंग्लिश और अदर फॉरेन लैंग्वेजेस में, ठीक है. जो हमारे वोवल्स हैं वो जनरलाइज किए हुए हैं, जनरलाइज मीन्स उनको ईजी लैंग्वेज में बनाया या उसको इंडियन इंग्लिश में ईजी लैंग्वेज में शामिल किया गया है. ओके, नॉन आर्टिकुलेशन ऑफ वोवल साउंड्स इज अनदर फीचर ऑफ इंडियन इंग्लिश. नॉन आर्टिकुलेशन मतलब वोवल साउंड्स को किसी भी नए तरीके से, आर्टिकुलेशन मीन्स नए तरीके से नया रूप प्रदान करके इंडियन इंग्लिश में शामिल नहीं किया गया. जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्टेंस इंडियन इंग्लिश में दी गई है, ठीक है. किसी भी नए तरीके से या कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके नए नए वोवल साउंड्स को हमारी इंग्लिश में नहीं जोड़ा गया. जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है. इसलिए हमारा जो इंडिया का प्रोनंसिएशन है वो कैसा है, बहुत ही ईजी और
इफेक्टिव है ना। जैसे फर्स्ट में बताया गया कि इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज सेम एज द रिटन फॉर्म, जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम उसको प्रोनाउंस हमेशा करते हैं, इसलिए हमारा जो इंडिया का प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी इजी एंड इफेक्टिव है। ओके क्लियर, प्रोनाउंसिएशन कैसा है हमारा? इजी है और नहीं? इजी है ना, जैसा हम देख रहे हैं इसको, इसको देखिए आप ध्यान से देखिए, देखो स्ट्रेस आर ई को रे स है ना। तो जैसे आप हिंदी में पढ़ोगे, जैसे आप लोगों ने कभी नर्सरी एग्जांपल देखा होगा, नर्सरी की बुक उठाई है, बच्चों को भी पढ़ाया है क्या किसी ने? देखी है बुक्स तो, देखी होंगी सभी ने। अब आजकल जो इंग्लिश का पैटर्न हुआ, इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल वाले क्या करते हैं, पहले पहले तो हम लोग को ए बी सी डी अलग से सिखाई जाती थी, अ से अनार और ये अलग से सिखाए जाते थे, बट अब जो नया पैटर्न आया है उसमें क्या है, उसमें ऐसा किया गया है कि ए को अ सिखाया जा रहा है बच्चे को, साथ में नर्सरी से ही ए को अ सिखाया जाता है, बी को ब सिखाया जाता है, सी को क सिखाया जाता है। इससे क्या होगा, उसका जो प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका है वो बचपन से ही वो उसी तरीके से प्रोनाउंस करना ताकि सीख सके, और इंग्लिश को भी वो अच्छे से मदर टंग के हिसाब से उसको सीख सके। इसलिए आजकल जो नया पैटर्न आया है वो इस तरीके का आया है, ठीक है? इसलिए इंडियन इंग्लिश में जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। ओके कभी भी उठा के देखिएगा, नर्सरी या एलकेजी की बुक्स आप लोग को अवेलेबल हो तो। स्ट्रेस एंड इंटोनेशन सिस्टम ऑफ इंडियन इंग्लिश। टाइम तो नहीं हुआ, व्हाट इज द टाइम ऑफ योर क्लास? क्या टाइम? यानी दो ही पॉइंट बचे हैं, कल डिस्कस कर डिस्कस 2 फीचर्स और मोर। ओके